हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज रेवेन्यू अकाउंट उसके बारे में बात करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट्स में प्रीमियम क्लेम एंड कमीशन ये तीन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। नॉर्मली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जब डायरेक्ट बिजनेस है व्हेन इट इज अ डायरेक्ट बिजनेस द प्रीमियम इज पार्ट ऑफ इनकम। इन केस ऑफ क्लेम्स एंड कमीशन इट विल बी एक्सपेंसेस। नाउ ये बात हुआ हमारे डायरेक्ट बिजनेस के बारे में। व्हाट अबाउट री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस का कंसेप्ट हम लोग दो तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। वन इज री इंश्योरेंस सीडेड एंड अदर इज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। सो री इंश्योरेंस सीडेड एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड ये दो पार्ट्स हमें अंडरस्टैंड करने हैं टू अंडरस्टैंड वेदर दैट इज इनकम और एक्सपेंसेस। सो इन केस ऑफ री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड होता ये है हम लोग किसी और कंपनी का इंश्योरेंस रिस्क बियर कर लेते हैं इन इन कंपेंसेशन विद द प्रीमियम। हम लोग प्रीमियम लेके उसका रिस्क ले लेते हैं। सो प्रीमियम हमारे लिए इनकम बनेगा और उसका जो क्लेम है वो एक्सपेंसेस बनेगा। सिमिलरली वो कंपनी हमसे एज अ कमीशन कुछ रिकवर करेगी। So, हमारे एक्सेप्टेड के केस में इट विल बी सेम फॉर बिजनेस डायरेक्ट बिजनेस एंड एक्सेप्टेड। सो इन केस ऑफ डायरेक्ट बिजनेस एंड इन केस ऑफ रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड द प्रीमियम विल बी इनकम क्लेम एंड कमीशन विल बी एक्सपेंसेस। नाउ इन केस ऑफ रीइंश्योरेंस सीडेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीडेड दैट मीन्स We want to share our risk to other company। हम लोग हमारा रिस्क को बांटना चाहते दूसरे कंपनी के साथ। उनको बोल रहे कि भैया हमसे प्रीमियम ले लो, प्रीमियम ले लो, we are going to pay the premium। So when we are talking about reinsurance ceded, the premium we are going to pay that will be the expenses। और हम लोग प्रीमियम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर क्लेम आया तो हम लोग उनसे रिकवर करेंगे। दैट मीन्स क्लेम विल बिकम इनकम एंड हम लोग सामने वाले को डायरेक्ट बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू चार्ज हिम कमीशन। So, commission हमारे लिए income बनेगा। So, this is how we need to understand while doing revenue accounts। So, revenue account, RA account बनाते वक्त हमें schedule 1 premium, schedule 2 claim and schedule 3 commission इस तरह से treat करना पड़ेगा, understand करना पड़ेगा। And the rest of the thing about opening balance एंड क्लोजिंग बैलेंस तो हमारे लिए वही चीज रहेगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग हम लोग ऐड करेंगे और ओपनिंग हम लोग लेस करेंगे। वो किसी भी एंगल से रहेगा आइदर इन केस ऑफ प्रीमियम क्लेम कमीशन। हमारे लिए लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है ये साल का ओपनिंग है सो वो हम लोग डिडक्ट करेंगे और करंट वाला ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन डू
revenue account with the help of this much knowledge, we must understand the concept of reinsurance, reinsurance ceded and accepted. Similarly, direct business and reinsurance business, where the premium become income and expenses. Objective type question जब said होता है तो कभी कभी आपको इस तरह से question पूछा जा सकता है. In case of reinsurance ceded, premium is dash. So it will be expenses when you are ceding it, when we are taking our insurance. So this is what the reinsurance ceded and accepted. Thank you. We'll meet again.